दोस्तों, सनी लियोनी को साल 2003 में एडल्ट मैगजीन पेंटा हाउस की तरफ से बोल्ड फोटोशूट का ऑफर आया था। इस टाइम इनके पापा की नौकरी भी छूट गई थी। उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, जिसके चलते इनकी मां को अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रखना पड़ा था। पहले तो सनी लियोनी ने इस फोटोशूट के लिए मना करने वाली थी, लेकिन जब इन्हें इनकी घर की ऐसी हालत देखी तो इन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही इन्हें अपनी पहली कमाई के $1,000 मिले तो इन्होंने सबसे पहले अपनी मां का मंगलसूत्र छुड़वाया। हालांकि इनके माँ बाप को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इन्हें लगातार यहाँ से फोटोशूट के ऑफर आते रहे, साथ में इन्होंने कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी शुरू कर दी। सनी लियोनी ने साल 2017 में डैनियल वीवर से शादी कर ली। शादी के बाद इन्होंने एक अनाथ बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, जिसका नाम इन्होंने निशा रखा। साथ ही सनी दो जुड़वा बच्चों की माँ है। जब वह दो जुड़वा बच्चों की माँ बनी तो इन्होंने इस बात का खुलासा इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके किया था, जिसमें वह अपने पति निशा और दो बच्चों के साथ दिखाई दी थी। यह फोटो शेयर करते ही काफी ज्यादा वायरल हुआ था और एक बार फिर से अपने बच्चों को लेकर सुर्खियों में बन गई थी। सब लोगों ने इन्हें बधाई तो दी ही थी, लेकिन सवाल भी पूछे थे, जिसमें पूछा गया था कि वो बिना प्रेग्नेंट हुए कैसे मां बन सकती है। हालांकि सनी लियोनी खुद सामने आई और इन्होंने इस बात का जवाब दिया। इन्होंने अपने जवाब में कहा कि अशेर और नोहा वेवर इनके बायोलॉजिकल बच्चे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि वह हमारे बच्चे हैं। हमने एक साल पहले सैरोगेसी को अपना लिया था ताकि हमारा परिवार पूरा हो सके और अब हम काफी ज्यादा खुश हैं। सनी लियोनी यह बताती है कि हमें 21 जून 2017 को इस बात का पता चला कि हम जल्द ही तीन बच्चों के माँ बाप बनने वाले हैं, जिसे जानकर वो दोनों काफी खुश और एक्साइटेड थे कि आखिरकार इनका सपना पूरा होने वाला है। साथ में वह लिखती है कि वह काफी ज्यादा खुशकिस्मत है जो तीन बच्चों के माता पिता बनने का मौका मिला। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सनी के बारे में जानकर, और आपको सनी लियोनी की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।